हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे नुब्रा वैली लद्दाख के बारे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ट्रैवल व्लॉग्स इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग नुब्रा वैली लद्दाख के बारे में। दोस्तों, नुब्रा लद्दाख में एक सब डिवीजन और एक तहसील है। नुब्रा और श्योक नदियों द्वारा काटे गए इलाके एक ट्रायंगुलर वैली का निर्माण करते हैं और इसके तिब्बती नाम लदुम्रा का अर्थ है फूलों की घाटी। दोस्तों, डिस्किट प्रसिद्ध मोनेस्ट्री है, नुब्रा का हेडक्वार्टर्स है और लद्दाख की राजधानी लेह से लगभग 150 किलोमीटर नॉर्थ में है। श्योक नदी एक बड़ी घाटी बनाने के लिए नुब्रा या सीचन नदी से मिलती है जो लद्दाख और कारा अलग करती है। श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। दोस्तों, नुब्रा वैली का एल्टीट्यूड 10,000 फीट अबव सी लेवल है और नुब्रा वैली तक रास्ता लेह शहर से खारदुंगला पास से होकर आता है जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है और जिसका एल्टीट्यूड 18,360 फीट अबव सी लेवल है। दोस्तों, विदेशी नागरिकों को नुब्रा वैली की यात्रा करने के लिए प्रोटेक्टेड एरिया परमिट प्राप्त करना आवश्यक है। 1 अप्रैल 2017 से नुब्रा वैली में जाने के लिए भारतीय नागरिकों को भी इनर लाइन परमिट प्राप्त कर। दोस्तों, तिब्बतन प्लेटू के बाकी हिस्सों की तरह नुब्रा भी एक उच्च ऊंचाई वाला ठंडा रेगिस्तान है जिसमें नदी के किनारों को छोड़कर बहुत ही कम वर्षा होती है और बहुत कम वनस्पति होती है। दोस्तों, नुब्रा वैली के जो गांव है वहां पर सिंचाई अवेलेबल है और वहां पर फसल भी होती है जिसमें कि गेहूं, जौ, मटर, सरसों और कई प्रकार के फल जिसमें कि सेब, अखरोट और यहां तक कि बादाम भी होता है। नुब्रा वैली के अधिकांश लोग नुब्रा बोली बोलते हैं और कुछ लोग नुब्रा स्कॉट बोली भी बोलते हैं। दोस्तों, आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो सुना ही होगा। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा वैली के नॉर्थ में स्थित है और सत्सर पास और काराकोरम पास नुब्रा वैली के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है और ये पास नुब्रा को उइगुर से जोड़ता है। नुब्रा वैली घूमने का बेस्ट टाइम जुलाई से सितंबर तक है। और दोस्तों, जैसा कि नुब्रा कोल्ड डेजर्ट है, यहां पर आप डबल हम्प वाले कैमल की सवारी का आनंद ले सकते हैं। नुब्रा वैली लेह से 120 किलोमीटर दूर है। पूरी रोड बहुत ही सुंदर और दर्शनीय है। दोस्तों, लेह से नुब्रा वैली जाने के लिए आप कार भी हायर कर सकते हैं, बाइक भी हायर कर सकते हैं और बस से भी जा सकते हैं। दोस्तों, हुंदर वैली का व्हाइट सैंड डेजर्ट है। यहां पे नाइट होल्ड के लिए कैंप्स भी अवेलेबल हैं और कॉटेजेस भी अवेलेबल हैं। दोस्तों, नुब्रा वैली से पेंगोंग लेक जाने के लिए 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है और करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं नुब्रा वैली से पेंगोंग जाने में। दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन नुब्रा वैली लद्दाख के बारे में। अगले ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए। चलिए दोस्तों, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।